बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मूर्ति देखने को मिला हमें। बहुत सारे माता जी, मैं शैलेश, आप लोग को स्वागत है कोई लॉग में। हम अभी आप लोग से चाचा जी से बात कराते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी और लेते हैं। चाचा जी बताइए आप अपना शुभ नाम। मेरा नाम है राजा राम प्रजापति। आप यहाँ से कितने दिन से मूर्ति बना रहे हैं? कि हमें लगातार 13 वर्ष हो गया बड़ी मूर्तियाँ बनाते हुए जी। अभी फ़िलहाल इस टाइम आप मूर्ति कितने दिन से बना रहे हैं नवरात्रि के लिए? अब ये हम 6 महीने पहले शुरू करते हैं, 1 अप्रैल से हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है और हम 4 से 5 लोग मिल करके अप्रैल से जुलाई तक काम किए हैं। जुलाई के बाद से फिर और लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। घर के ही हैं कि वर्कर रख? नहीं, बाहर से भी लेते हैं हम अपने हेल्प के लिए, वो चाहे उन्हें हेल्पर कहें या कार्यकर्ता कहें, हम लेबर नहीं कहते, उनको अपना नौकर नहीं समझते। ये तो आप बहुत अच्छी बात है। वो हमारे घर के ही सदस्य की तरह होते हैं और कहीं किसी प्रकार का बंधन नहीं उनके लिए। वो मेरे घर में आएं जाएं, जब मर्जी हो उनके घर का खाना निकालें खा लें, यहीं सो जाएं, यहीं रहें, यहीं पानी पिए। उनके लिए फ्रिज फ्री है, घर फ्री है, रसोई फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, सब एकदम मित्र घर की तरह रहते हैं। आप स्पेशल नवरात्रि के लिए मूर्ति बनाते हैं और भी उससे बनाते हैं मूर्ति, जैसे काली पूजा हुआ, गणेश लक्ष्मी पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ? अच्छा सवाल है आपका ये। हाँ, हम पूरे वर्ष भर मूर्तियाँ बनाते रहते हैं, पूरे वर्ष भर, जनवरी टू दिसंबर ऐसा मानते हैं, यानी कंटिन्यू जी 12 महीने। अभी क्या है कि ये दुर्गा पूजा, ये जो शारदीय नवरात्र है, ये अब जो होने वाला है कुवार के महीने का, हाँ? या सितंबर अक्टूबर का कह लें, इसके लिए हमने जो काम शुरू किया है वो अप्रैल से शुरू किया है। अप्रैल से अभी काली पूजा, अप्रैल से चल करके ये सितंबर में 26 सितंबर को माता जी की स्थापना हो जाएगी, ठीक है ना? फिर माता जी की जब स्थापना होगी तो तुरंत हमारा काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी गणेश साथ ही रहते हैं, ये दीपावली पर होती है। एक सरस्वती पूजा भी होता है, और सरस्वती पूजा जो है वो बसंत पर होती है, फरवरी की, तो उस समय भी मूर्तियाँ बनाते हैं। इस तरह से मेरा पूरा वर्ष भर पूरा, और हम छोटी मूर्तियाँ भी बनाते हैं दीपावली के लिए। ऐसी मूर्तियाँ पहले लोग कानपुर से या चुनार से लाया करते थे, इलाहाबाद प्रतापगढ़ शहर में मिला करती थी, वो मूर्तियाँ हम बनाते हैं, होलसेल और फुटकर दोनों सप्लाई अपने पास है। होलसेलर भी और फुटकर जी, होलसेल भी फुटकर होलसेल देते हैं, जो आप इलाहाबाद में पाएंगे बड़े बड़े डीलर के पास, उसी रेट की आप हमारे पास पाएंगे। अगर हमारे नज़दीकी भाई कोई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनको भाड़ा नहीं देना पड़ता, तो अपने बाइक से चले आएँ, साइकिल से चले आएँ, या टाली लेकर के चले आएँ, लेके चले जाएँ, या फिर अगर आप पिकअप लेकर के भी आते हैं, कोई भी गाड़ी लेकर के आते हैं, तो आपको कम से कम भाड़ा देना होता है, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ से ले जाना जी, जी। हमारे यहाँ भी मुबारकपुर में लगता है दुर्गा पूजा, यहीं से आपके यहाँ मूर्ति जाता है हमारे गाँव में, हाँ, और एक छोटे बच्चे भी ले जाते हैं छोटी मूर्ति, वो भी यहाँ के लिए। तो काली पूजा, दुर्गा पूजा का जो है आर्डर अपने ही पास रहता है। धन्यवाद है मुबारकपुर वासियों का, वो हमें इतना स्नेह प्रेम। हम बहुत छोटे से तब से वो लोग प्रोग्राम मना रहे हैं, लमसम हम 2 में पढ़ रहे थे, आज से लगभग 15-16 साल से लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। तो 13 वर्ष हमें हो गया लगातार माता जी की सेवा करते हुए, और माता जी की मूर्ति मुबारकपुर हर बार गई है, कहीं ना कहीं गई है, किसी न किसी रूप में गई है, लेकिन मुबारकपुर का स्नेह प्यार बहुत मिलता है पूरी तरह से। हमारे दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए मुबारकपुर से बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलती है। चौराहा के सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, और मैं धन्यवाद दूंगा उनको, वो एकदम सही पता बताते हैं हमारे यहाँ के लिए। आप राजा राम प्रजापति के नाम पूछ करके चले जाइए, यहाँ पर उनका मकान है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों में अपना तो है। आपसे बात करके हमें खुद अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत, और आपकी मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, अभी भी मेहनत लोग कर रहे हैं, दिलो जान लगा दी हमने देखा मूर्ति में, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है। हमें तो पता था कनोरम बनता था, लेकिन हमने देखा नहीं था, इसलिए हम महेंद्र भाई के साथ में लेकर आए यहाँ पे। अगली बार आप लोग शुरू से जब बनाएंगे तब से हम पूरा रिकॉर्ड कर
अपने दर्शकों अपने सभी दोस्तों को दिखाएंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ की बनी मूर्तियों की तारीफ की, हम तो नहीं कहते कि हम अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं और इस बात को दूर दूर तक जो है वो फैलाते भी हैं कि वहाँ अच्छी मूर्तियाँ बनती हैं। लेकिन चाहते वाकई में आपके यहाँ मूर्ति बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है साक्षात देवी माँ भगवान गणेश जी यहाँ पे साक्षात उपस्थित हो गए हैं। ये माँ की ही कृपा है, वरना हमारी क्या औकात है कि हम माता जी की मूर्ति बना देंगे। ये माँ की ही कृपा है, हम उनकी सेवा करते हैं और वो अपना जो उनका वास्तविक रूप है जिस रूप को वो धारण करती हैं वो हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के, तो ऐसा मैं मानता हूँ। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के वहाँ बड़े कारखाने का जो है आपको देखने को मिला होगा, नेचुरल डिजाइन में मूर्तियाँ नेचुरल एकदम डिजाइन है, मिट्टी की ही साड़ी बनी हुई है, आप बता नहीं सकते। अभी जिस दिन मूर्ति यहाँ से हमारे यहाँ से जाएगी माता जी की, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोग देख करके कहेंगे कि इतनी चमकदार साड़ी कहाँ से लाए गए, जो कि पूरी तरह मिट्टी बनाया जी, हुआ है पूरी तरह से मिट्टी की, वो हमारे कारीगरों की कलाकारों की देन है। और बाकी हम तो सब भाई हैं, देख रेख कर रहे हैं, जहाँ जो भी होता है जो आवश्यकता रहती है उनको बताते हैं। चाचा आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम बहुत कम है, अभाव बहुत कम है जी, हमारा ये पीक आवर है, बहुत रफ टाइम है कि अब आपके लिए काम ज़्यादा है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, 24 घंटे मात्र समय, 24 घंटा है, 24 घंटे बाद सारे आर्डर लोग जो लिए हैं आपने जिनका लिए वो लोग आ जाएंगे मूर्ति लेने के लिए। ये देख रहे हैं मूर्तियों के साथ साइडर हैं, साइडर रहते हैं, किसी में दो किसी में चार, 24 घंटे के अंदर सारे डेकोरेट होने हैं, सारे के सारे जितने साइडर हैं वो सब तैयार। जैसे अभी कुछ लोग आर्डर दिए हैं और तो लोग ले ही जाएंगे, जैसे कुछ लोग आर्डर ना दिए हों उनको लिए भी मूर्ति मिल सकता नहीं, है उनके लिए एक ये ऑप्शन है कि जैसे अगर अभी हमारे पास खाली है मूर्ति तो हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे। हमने जो बनाई है अपने ग्राहक भाइयों के लिए ही बनाई है, माता जी के भक्तों के लिए बनाई है, तो माता जी के भक्त हमारे पास आएंगे और हमारे पास मूर्ति है तो हम उन्हें अवश्य देंगे। ठीक है, जिन भाइयों को मूर्ति चाहिए हम कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल में दे दिए है, अभी भी आप लोग अभी भी दो चार मूर्तियां बुक होना शेष हैं, और कुछ ग्राहक भाइयों से बात भी हुई है आज दिन में, हो सकता है मौसम गड़बड़ है आज ना आ पाएँ तो कल ज़रूर आ जाएंगे। बात करने के लिए चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देवी माँ का मूर्ति ले जाएंगे भाई आमापुर के बुडरा जगदीश यादव जी का ये मूर्ति है, आप लोग दे सकते हैं देवी माँ को, वो लोग ले जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कुशल कारीगरी द्वारा देवी माँ को मूर्ति बनाया गया, आप लोग वीडियो माध्यम दे सकते हैं, शाम बहुत है इसलिए वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी शाम के 6 बज रहे हैं साथियों, मौसम भी आने वाला है, बारिश का सीज़न भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो माध्यम से यहाँ का मूर्ति आप लोग बहुत ही खूबसूरती ढंग से दीपक भाई ने बनाया, आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ से आर्डर दे के ले जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमने आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। ये कोड़ापुर का मूर्ति है, आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे कोड़ापुर लिखा है। इसी तरह से बहुत भाइयों ने आर्डर दे के मूर्ति का दिया है आर्डर, उन लोगों के साइड लगा दिया गया, बाकी लोगों का अभी भी मूर्ति तैयार हो रहा है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मूर्ति देखने को मिला हमें, बहुत सारे देवी देवता का दर्शन करने को मिला हमें, आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में यहाँ के देवी देवता जी का दर्शन आप लोग किए, और पूरा नवरात्रि तक ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, 9 दिन तक देवी माँ का पूरे इंडिया में गूंजेगा, देवी माँ का भक्ति भजन से पूरा हम लोग झूम उठेंगे, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऊपर देवी माँ का गणेश जी का कृपा बनी रहे सदैव, नवरात्रि की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आपका दिन मंगलमय हो।